हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुस्कान शर्मा के स्टाइल में मैगी। ये मैगी बहुत ही टेस्टी, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और साइड के बेल आइकन को भी दबाएं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिले। चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये देखो, मैंने डिश में कटा हुआ टमाटर लिया है, कटी हुआ हरी मिर्च लिए है, कटा हुआ प्याज लिए है। उसके बाद ये देखो, हमने गैस पर कढ़ाई रखी है। अभी हम इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। आप मुस्कान शर्मा की वीडियो देखते हो कि नहीं, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप कौन से यूट्यूबर की वीडियो देखते हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा और आपका सेम आए तो मैं उस कमेंट को रिप्लाई दूंगी। उसके बाद इसमें मैंने कटा हुआ प्याज डाला है। प्याज को अच्छे से तेल में ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखो, प्याज अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अभी हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे और कटे हुए हरी मिर्च डालेंगे। उसके बाद टमाटर को भी अच्छे से गलने देंगे। ये देखो, टमाटर अच्छे से गल चुके हैं। अगली कौन सी वीडियो बनाओ वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप वीडियो देख लेते हो पर चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, तो जल्दी कर सब्सक्राइब करें। उसके बाद इसमें मैंने धना पाउडर डाला है, लाल मिर्च पाउडर डाली है, स्वाद के अनुसार नमक डाला है, मैगी मसाला डाला है और हल्दी डाली है। ये सब डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स होने के बाद तुरंत ही पानी डाल देंगे, नहीं तो ये मसाले जल जाएंगे। और अच्छे से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसमें मैंने मैगी डाली है। आपको ये वीडियो पसंद आई तो मुझे कमेंट में रेड कलर का हार्ट सेंड करना। मेरा और एक चैनल है, उसका नाम है फूडी काजल। अपने उसे सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए उसको भी सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। ये देखो, मेरी मैगी अच्छे से पक चुकी है। अभी हम इसका गैस बंद करेंगे। ये देखो, ये कितनी मस्त दिख रही है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाय बाय।